वो तन्हा कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें। मेरा न्यू चैनल है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियोस के अंदर देखा करें, स्किप मत किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरा चैनल शाहीन सुन को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी शक्करपारे। शक्करपारे बनाना बहुत ही आसान है। शक्करपारे किस तरह और किस तरीके से बनेंगे ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को भी पार्ट स्किप मत करें। शक्करपारे बनाने के लिए हमें जो अज़ा ज़रूरत होंगे वो ये हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़े बर्तन में मेल्ट घी शामिल किया है। एक बड़ी चम्मच घी लेना है आपने। उसके बाद मैं ऑरेंज फूड कलर शामिल करूँगी, वो एक चुटकी शामिल करना है। ये एक चुटकी शामिल करना है। ये कलर शामिल करके इसे अच्छी तरह मिक्स करें ताकि घी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। कलर घी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं अमोनियम शामिल करूंगी, ये एक चुटकी है। मैं दोबारा बता दूँगी, ये अमोनियम मैं शामिल कर रही हूँ। शक्करपारों में अमोनियम शामिल करते हैं। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। अमोनियम आपने ज़्यादा नहीं लेना, ज़्यादा लेंगे तो आपके शक्करपारे ख़राब हो जाएंगे। अब मैंने अमोनियम डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं एक कप मैदा शामिल करूँगी, ये एक कप है। इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। घी के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है। अब मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये देखें किस तरह जोड़ा है। आप भी जब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो आपका भी ऐसे ही होगा। अब मैं हाथों से पानी डालकर इसे गूंदूंगी। डायरेक्ट पानी नहीं डालना, हाथों से पानी डालकर गूंदना है इसे। अब मैं आपको इसे गूंद के दिखाऊंगी। अब मैंने इसे गूंद लिया है, ये डो तैयार हो गया है। बहुत ज़्यादा मत गूंदे क्योंकि शक्करपारे का जो डो होता है उसे ज़्यादा नहीं गूंदते। अब मैं थोड़ा सा हाथों में घी लगाऊंगी, इस तरह घी लगा के इसे इसका डो बना दूंगी। थोड़ा सा और लगा देती हूँ। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। अब इसके 5 मिनट पूरे हो गए हैं। अब मैं इसे छोटे छोटे बनाऊंगी, पीस करके बनाऊंगी। अब आपने इसे इस तरह बनाना है, थोड़ा सा ऊपर से दबा देना है। अब मैंने पीस बना लिए हैं और इस ट्रे में मैंने थोड़ा सा खुश्क आटा डाला है और इसके ऊपर ये पीस रखे हैं। अगर आप ऐसे ही ट्रे में रख देंगे तो ये जो पीस है साथ चिपक जाएंगे। अब मैं आपको इनको बनाना सिखाऊंगी। अब सबसे पहले कढ़ाई मैंने ऑन शामिल किया है और मैंने तलने के लिए लिया है। और गर्म हो जाएगा फिर मैं शक्करपारे शामिल करूँगी। और गर्म हो चुका है, अब मैं शक्करपारे शामिल करूँगी। ये सबसे पहले नीचे बैठते हैं, फिर थोड़ी देर बाद ये ऊपर उठते हैं। जब डाल देंगे थोड़ी देर बाद जब उठेंगे तो आपने इन्हें कढ़ाई को हिलाना है। आपने बीच में चमचा नहीं डालना, वह चमचा डालेंगे तो ये जो है शक्करपारे ये टूट जाएंगे।
इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हिला देना है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो जाएंगे। अब मेरे उठना शुरू हो गए, अब हम इनसे पकाएंगे, जब तक ये सख्त नहीं हो जाते तब तक इन्हें पकाना है। चुके हैं इसका मतलब है ये पक चुके हैं, आप चम्मच मार कर छोटी सी चेक कर सकते हैं, लेकिन सख्त हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकालूंगी। अब मैं शीरा बनाने के लिए जो अज़ा ज़रूरत होंगी वो ये हैं, एक कप मैं चीनी लूँगी, एक कप। अब इसी के दो कप मैं पानी लूँगी। अब ये मैंने एक कप पानी लिया है, अब दूसरा भी लूँगी। ये दूसरा कप पानी है। अब मैं इसमें एक अदद इलायची छील के शामिल करूंगी और अब मैं इस शीरे को पकाऊंगी। शीरा तैयार हो गया है, अब मैं इसमें शक्करकंद शामिल करूंगी। ढाँक के रखूंगी ताकि इसे शीरा के अंदर जाए। माशाल्लाह से हमारे शक्करपारे तैयार हो गए हैं, देखें कितने खूबसूरत बने हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। मेहरबान वो कौन है, क्या ऊंची शान है, उसकी सबने